काफी सारे लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर कोई बच्चा कोई क्राइम करता है तो इसके लिए उसे सजा दी जाती है या नहीं, और जो क्राइम वो करता है उसका असर उसके फ्यूचर पर पड़ता है या नहीं। इसके साथ साथ ही अगर कोई अनसाउंड माइंड यानी कोई पागल अगर कोई क्राइम करता है तो उसकी सजा उसको दी जाती है या नहीं। सो गाइज, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में मैं आपको आईपीसी सेक्शन 82, 83 एंड 84 के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा कोई क्राइम करता है तो इसके लिए उसे सजा दी जाती है या नहीं। आईपीसी सेक्शन 82 में यह क्लियर किया गया है कि अगर कोई भी 7 साल से कम एज का बच्चा कोई क्राइम करता है तो वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा और इसके लिए उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। अब रही बात 7 साल से 12 साल के बीच के बच्चों की, तो उनके बारे में आईपीसी सेक्शन 83 में यह क्लियर किया गया है कि अगर कोई भी 7 साल से 12 साल की एज के बीच का बच्चा कोई क्राइम करता है तो ये देखा जाएगा कि वो बच्चा मैच्योर है या नहीं, यानी जो उसने क्राइम किया है वो उसकी नेचर को समझता है या नहीं। अगर कोर्ट में ये प्रूफ हो जाता है कि वो एक मैच्योर बच्चा है और उसने जो काम किया है उसको वो समझ रहा था कि वो क्या कर रहा है, तब उसको सजा दी जाएगी। लेकिन अगर वो अपने काम की नेचर को ही नहीं समझ रहा था, वो एक मैच्योर बच्चा नहीं है, तब उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। अब बात आती है 12 से 18 साल के बीच की एज वाले बच्चों की, तो अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो इसके लिए उन्हें सजा दी जाएगी। जुविनाइल जस्टिस एक्ट में ये प्रोविजन किया गया है कि किसी भी 18 साल से कम एज वाले बच्चे को 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती है और सजा के बाद भी उसको जेल नहीं भेजा जाएगा बल्कि उसको रिमांड होम भेजा जाता है। इसके साथ साथ ही इसमें एक प्रोविजन ये भी किया गया है कि उसकी सजा पूरी होने के बाद उसके रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी पर्सन 18 साल से कम की एज में कोई भी क्राइम करता है तो इसका इफेक्ट उसके फ्यूचर पर नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 7 साल से कम की एज का बच्चा कोई क्राइम करता है, जैसे कि किसी का मर्डर कर देता है, तो इसके लिए उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। और अगर कोई 7 साल से 12 साल की उम्र का बच्चा किसी का मर्डर करता है, तभी देखा जाएगा कि वो बच्चा मैच्योर है या नहीं। अगर मैच्योर है, समझ रहा था मर्डर को, तब उसको सजा दी जाएगी, वरना उसको सजा नहीं दी जाएगी। और अगर कोई 12 और 18 साल की एज के बीच का बच्चा किसी का मर्डर करता है, तब उसको 3 साल तक की सजा दी जाएगी। और इस क्राइम का असर उनके फ्यूचर पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, मतलब कि फ्यूचर में वो सरकारी जॉब में भी जा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि अगर कोई अनसाउंड माइंड या कोई पागल अगर क्राइम करता है तो इसके लिए उसको सजा दी जाती है या नहीं। आईपीसी सेक्शन 84 में ये क्लियर किया गया है कि अगर कोई भी अनसाउंड माइंड या पागल अगर कोई क्राइम करते समय अनसाउंड माइंड था, पागल था, उस काम की नेचर को नहीं समझ रहा था, तब उसको इसके लिए कोई सजा नहीं दी जाएगी। अगर कोई पर्सन क्राइम करने से पहले भी सही था, क्राइम करने के बाद भी सही है, लेकिन क्राइम करते समय वो अनसाउंड माइंड था, पागल था, उस काम की नेचर को नहीं समझ रहा था, तब उसको इसके लिए कोई सजा नहीं दी जाएगी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि अगर कोई बच्चा या कोई पागल कोई क्राइम करता है तो इसके लिए उन्हें ना तो कोई सजा दी जाती है और ना ही ये उनके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।